देश भर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हर्षोल्लास, अटूट आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया। अयोध्या तो पूरी तरह से रामलला की आभा से ज्योतिर्मय रही, साथ ही पूरा देश राममय नजर आया। इस दिन को पूरे देश ने दीपोत्सव के जरिए सेलिब्रेट किया और आतिशबाजियां भी की गई। वहीं राजस्थान के श्री गंगानगर में श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह का लाइव प्रसारण देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कर्मचारी नेता चिरंजी लाल यादव का देहावसान हो गया। 82 साल के बीजेपी नेता चिरंजी लाल यादव पुरानी आबादी के थर्ड ब्लॉक स्थित अपने निवास पर टीवी का लाइव प्रसारण देख रहे थे। इस दौरान चिरंजी लाल यादव को अचानक सीने में तकलीफ हुई, वहीं दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। चिरंजी लाल यादव सरकारी सेवा में रहते सरकारी कर्मचारियों के एक संगठन के जिलाध्यक्ष और बाद में प्रदेश उपाध्यक्ष लंबे समय तक रहे। वो संघर्षशील और जुझारू नेता के तौर पर भी जाने जाते थे। जानकारी के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद चिरंजी लाल यादव बीजेपी से जुड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। वो बीजेपी नगर मंडल के अध्यक्ष और बीजेपी के जिला सचिव भी रहे। चिरंजी लाल यादव अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार आज यानी मंगलवार दोपहर को पदमपुर रोड स्थित श्री कल्याण भूमि में किया जाएगा। चिरंजी लाल यादव के निधन पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह और जिला उपाध्यक्ष रतन गणेश गढ़िया साथ ही दूसरे बीजेपी नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। रतन गणेश गढ़िया ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि चिरंजी लाल यादव उनके पारिवारिक सदस्य के तौर पर थे।